नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव, इंफॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 32 में हम बात करेंगे। टोटल जो नॉमिनेशन जो भरे गए हैं उस संबंध में कि कितने आवेदन इलेक्शन कमीशन ऑफ हरियाणा के पास आए और कितने जो आवेदन हैं रिजेक्ट हुए हैं और कितने आवेदन सही पाए गए हैं और 90 सीटों पे कितने टोटल उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, ये फाइनल हो गया है कल। तो इसलिए ये वीडियो बहुत अहम होगी क्योंकि हरियाणा में 90 सीटें हैं, तो 90 सीटों में बहुत सारे जो लोग हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के और निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना पिछले 5 साल में टिकट लेने के लिए बहुत जोर आजमाइश की। वो आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी और शैक्षणिक रूप से भी, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी एक ही कैंडिडेट को टिकट दे सकती है, दो को नहीं दे सकती है। इसलिए अगर एक सीट पे एक से ज़्यादा उम्मीदवार किसी पॉलिटिकल पार्टी के होंगे तो लाजमी है कि आपस में रूठना और मनाना वो चलता रहेगा। तो हमने पिछले 3 दिन में ये देखा, खासकर जो सत्ता में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर और जो विपक्ष की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हरियाणा में उसके अंदर किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा के चक्कर लगाए रूठों को मनाने के लिए और किस तरह से विपक्ष के लीडरों ने भी, जो मुख्य लीडर हैं उन्होंने भी दूसरों को की टिकट कटने के बावजूद उनको मनाया। अब ये दूसरी बात ये है कि बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में हैं उन्हीं में से, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अधिकतर की जमानत जब्त होगी। इसमें बहुत सारे कम चांसेस होते हैं कि चुनाव जीतने के। खैर, इस पे हम बड़ी बहस हो कर सकते हैं, लेकिन मुख्य जो विषय है कि हरियाणा विधानसभा 2024 का जो 5 अक्टूबर को वोटिंग होगा और 8 अक्टूबर को उसके काउंटिंग होगी, उस संदर्भ में हरियाणा में टोटल जो एप्लीकेशन 90 सीटों पे गए आए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट के बिहाफ से मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, 1747 यानी कि 90 सीटों पे 1747 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। उसमें से जो एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन हरियाणा ने सही पाए इलेक्शन में नामांकन की त्रुटियों के साथ या नहीं, उसमें 1151 जो एप्लीकेशन है वो सही पाए, एक्सेप्ट कर लिए गए 1151, और जो एप्लीकेशन में त्रुटियां रहीं अशुद्धियां रहीं वो रिजेक्ट हुए 394। इसके साथ साथ ऐसे आवेदन जो सही भी थे और वापस ले लिए उम्मीदवारों ने, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर भी रहे निर्दलीय भी रहे, उसमें से 202 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। और इसके साथ जो अभी टोटल जो उम्मीदवार मैदान में हैं 90 सीटों में, वो 971 लोग उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में जो 90 सीटें हैं उस पे 900
71 लोग इस पे अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन हमें आखिर में ये देखना है कि 90 ही सीट पे 90 ही उम्मीदवार चुने जाएंगे, बाकी के जो उम्मीदवार हैं या तो जमानत जब्त होगी या सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, जितने भी जहाँ जहाँ पे जितने लोगों ने उम्मीदवार ये अपनी दर्ज की है वो उतने नंबर पे आएंगे। तो ये एक एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि 90 सीटों के लिए 1747 टोटल नामांकन भरे गए, जिसमें से 1191 नामांकन सही पाए गए और 394 रिजेक्ट हुए और 202 जो नामांकन हैं वो वापस लिए गए और 971 जो हैं कैंडिडेट अभी चुनाव मैदान में हैं। तो हमें 971 जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट हैं और उसमें निर्दलीय भी हैं, उनके भाग्य का फैसला करना है। भाग्य मीन उनको कितना वोट प्रतिशत मिलेगा, उनकी जीत कितनी होगी, ये हमें ही तय करना है। क्योंकि भारत में जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसमें वैश्विक मताधिकार का आर्टिकल 326 के तहत, संविधान का जो आर्टिकल 326 है उसके तहत हम अपना वोट का प्रयोग करेंगे और ये जो प्रयोग है कितना उसके लिए सफल होगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा और कितना असफल होगा जो सबसे कम वोट मिलेगा। लेकिन हम इसमें असफल भी नहीं कह सकते क्योंकि हर लीडर को अपने एरिया में अपनी मेहनत के दम पर वो वोट मिलेगा, चाहे वो 5 मिले या वो 10 मिले, इम्पोर्टेंट है। तीसरा इसमें ये है कि पिछले जो इलेक्शन हुआ 2019 में उसमें 65,000 के आसपास लोगों ने नोटा को वोट दिया, तो इस बार मैं समझता हूँ ये आंकड़ा कम आए ताकि भारतीय लोकतंत्र को और मजबूती मिले। इन सब बातों के लिए आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।